हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 25 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, जून 2021 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Which country has been appointed as the chair of the governing body of International Labour Organization for a period till June 2021? Option A, Brazil, B, Australia, C, India, and D, Russia. So the right answer is option C, India. इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता 35 ईयर्स के गैप के बाद की है और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए आईएलओ के गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत करने के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एडवाइजरी पैनल फॉर्म्ड बाय नीति आयोग टू लुक इनटू इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम? ऑप्शन ए, अमिताभ कांत, बी, राजीव कुमार, सी, अरविंद पनागरिया, and D, Vivek Debroi. So the right answer is option B, Rajiv Kumar. पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ने अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की शुरुआत करने के लिए 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है और इस पैनल की अध्यक्षता नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है? International Snow Leopard Day is marked annually on which day? Option A, 23rd October, B, 22nd October, C, 24th October, and D, 21st October. So the right answer is option A, 23rd October. हर साल 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी। हम इस दिन इंडेंजर्ड कैट को सेलिब्रेट करते हैं और इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, साद हरीरी को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? Saad Hariri has been recently appointed as the Prime Minister of which country? Option A, Qatar, B, Cyprus, C, Kuwait, and D, Lebanon. So the right answer is option D, Lebanon. लेबनान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी को 22 अक्टूबर 2020 को पार्लियामेंट इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट्स मिलने के बाद दोबारा एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों की सूची में सबसे ऊपर है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? ऑप्शन ए, मंडी, बी, देहरादून, सी, शिमला, एंड डी, लेह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मंडी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए देश के टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स की सूची घोषित की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सैन मैरिनो गणराज्य के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the ambassador to the Republic of San Marino? Option A, Arun Kumar Singh, B, Naina Malhotra, C, Harshvardhan Shringla, and D, Taranjit Singh Sandhu. So the right answer is option B, Naina Malhotra. इंडियन डिप्लोमैट डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर द रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं और उनका रेसिडेंस रोम में होगा। प्रेजेंटली वो रिपब्लिक ऑफ इटली में भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर रही हैं। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, स्टार्टअप के वित्त पोषण में इनमें से किस बैंक ने IIT मद्रास के साथ बोर्ड IND स्प्रिंग शुरू करने में सहयोग किया है? Which of these banks has collaborated with IIT Madras to launch IND Springboard for funding startups? Option A, Indian Overseas Bank, B, Punjab National Bank, C, Indian Bank, and D, Canara Bank. So the right answer is option C, Indian Bank. स्टेट ओन्ड इंडियन बैंक ने स्टार्टअप के फंडिंग के लिए स्प्रिंग आईएनडी बोर्ड नामक एक पहल शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ कोलैबोरेशन किया है। नाउ 8th क्वेश्चन इज, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर, and D 23 अक्टूबर. So the right answer is option B 24 अक्टूबर. वैक्सीनेशन एंड एराडिकेशन ऑफ पोलियो के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे हर साल मनाया जाता है. वर्ल्ड पोलियो डे 2020 की थीम अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी पोलियो के खिलाफ एक जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है. नाउ द 9th क्वेश्चन इज, नाबार्ड की साझेदारी में किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, एंड डी राजस्थान. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तराखंड. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और उनकी आय को दोगुना करने में मदद करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम यानी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है. नाउ द 10th क्वेश्चन इज, जीरो बाबू के नाम से मशहूर KJ मोहम्मद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध गायक थे? Famously known as Zero Babu, KJ Mohammed, who has passed away recently, was a renowned singer from which film industry? Option A Marathi, B Malayalam, C Urdu, and D Bengali. So the right answer is option B Malayalam. Famous Malayalam playback singer or music director and actor KJ मोहम्मद बाबू का निधन हो गया. वो 80 इयर्स के थे और उन्हें जीरो बाबू के नाम से तब से जाना जाता था जब से उन्होंने एक नाटक में ओपन जीरो नाम के गीत का प्रदर्शन किया था और उसमें अपनी एक भूमिका निभाई थी. नाउ 11th क्वेश्चन इज, अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए ILO की गवर्निंग बॉडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of the governing body of the ILO for the period October 2020 to June 2021? Option A Nivedita Shukla Verma, B Kundan Kumar, C Apurva Chandra, and D Krishnendra Pratap Singh. So the right answer is option C Apurva Chandra. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, इनमें से किसे 2020 का उत्कृष्ट युवा व्यक्ति नाम दिया गया है? Who among the following has been named an outstanding young person of the world 2020? Option A Jacintha Vergis, B Rajni Tripathi, C Rajendra Kaur, and D Priti Singh. So the right answer is option A Jacintha Vergis. ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जाजिनी वर्गिस को ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए उनके इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए एक नॉन प्रॉफिट NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामित किया गया है. तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कॉन्टेंट लाइक दिस. थैंक यू.